अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये आज का अभी अभी कुछ देर पहले का संभल की जामा मस्जिद का वीडियो है। यहाँ पे कुछ दिन पहले भी सर्वे हुआ था, आज दोबारा सर्वे हो रहा था और इसी सर्वे के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए कुछ नौजवान यहाँ पर जमा हो गए और अभी बताया जा रहा है कि दो नौजवानों का इंतकाल हो चुका है। सर्वे भी मुकम्मल हो चुका है लेकिन भीड़ की जानिब से पुलिस की तरफ पत्थर भी मारे गए। ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद लेते हुए जो लोग भी पत्थर मारे थे उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होगी, ये पुलिस ने साफ कर दिया है। इतनी भीड़ यहाँ पर मौजूद थी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ चप्पलें रखी हुई है। तो वाकयात किस तरह से पेश आया, पुलिस ने क्या कहा, तमाम तफसीलात आपको बताते हैं। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। यह दोबारा जारी हुई सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक ये कमीशन की कार्रवाई हुई और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीजें हैं उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो शांतिपूर्वक तरीके से कानूनी प्रक्रिया जी? बिल्कुल, मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि लोग रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन में विश्वास रखें। न्यायालय की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद सीपीसी के अनुसार उस रिपोर्ट को कंटेडिट करने का हर आदमी को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगा और उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। तो इस समय कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना सही नहीं है। जो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना था वो सर्वे आज पूर्ण हो चुका है और सर्वे की जितनी कार्रवाई है वो वीडियोग्राफ फोटोग्राफ की जा चुकी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं और उनके जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी इस सर्वे में मौजूद थे। अच्छा सर, ये सर ये बताना चाहेंगे क्या कुछ पाया अंदर? नहीं, अभी इसके बारे में हम कोई बयान नहीं देंगे, नो कमेंट्स इसके बारे में। अब जो भी बात है वो एडवोकेट कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट में आएगी। के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो जिला कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स है उस समय पर मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है। सर, कितनी गाड़ियां हैं पुलिस की जिनको आग लगाई गई? ये पुलिस की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल हैं जिनकी कार है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पर इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों की पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पर आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से एक एक कोई एक हड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया है। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी, ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है, सीसीटीवी कैमरा से भी कई सारे टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर। सर, पथराव में कोई इंजरी, कोई और कोई अप्रिय सूचना? पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन सब लोगों का मेडिकल है वो करवाया जाएगा। ये इरफान सोलंकी है, ये अभी जेल में है, समाजवादी पार्टी के ये एमएलए थे, अभी इनके वाइफ इलेक्शन लड़े, जीत गए, क्या कहना है इनका यहाँ पर आप सुन सकते हैं। हम हर जगह जाएंगे जहाँ मुझे काम भी कराना है, जहाँ मुझे लोग खुश होते हैं, जितना इतना लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं उनकी खुशी के लिए कहीं भी जाऊंगी और सबसे ज्यादा सीताओं की जनता है उन्होंने मेरे साथ इंसाफ करा। सबसे पहला काम क्या करेंगे यहाँ के बाद, कहाँ जाने वाली है? मैं सबसे मिलूंगी, फिर उसके बाद अपने पति बारह दिन जा रही है, कल जाएंगे, कल संडे, कल मिलाई नहीं होगी, परसों होगी, इसलिए मैं कल जाऊंगी। क्या लगता है ये जीत और बड़ी हो सकती है? लगातार आरोप लगा रहे हैं डालने दे रहे हैं, लेकिन 19% कम हुआ है पर मुझे मिला है, बहुत वोट मिला। क्या लगता है नसीम जी, क्या लगता है कि ये जीत और बड़ी हो सकती थी अगर पुलिस प्रशासन और सब कर सकते थे? वोट मुझे लग रहा है कि 8,500 से जीते हम लोग, 2,250 से जीते, कुछ अगर परसेंटेज हमें और मिलता
बाकी मुझे वोट बहुत अच्छा मिला, बहुत कटौती हुई है नहीं, कुछ नहीं कहना, जीत गए, मैंने इंसाफ की जीत हो गई मेरी, शुक्रिया। और कल हमने आपको ये वीडियो बताया था, इससे मुताबिक और एक अपडेट निकल के सामने आया है, फिरोज खान भी एक स्टेटमेंट दिए है, क्या कहना उनका यहाँ पर आप सुन सकते हैं। जी भाई, अभी फोन आया था नीलोफर से, एक बच्चा गायब हो गया और हम उनके वालदा से आके मिले, उनके नानी से आके मिले और हम ये अश्योरेंस दिए उनको कि सीसी कैमरा विजिलेंस जो है वो बेहतरीन है हमारे पास, और ऐसे कई टाइम यहाँ पर किस्से हुए जिसमें बच्चों को वापस बरामद हम कर लिए, और कांग्रेस की हुकूमत है और तेलंगाना पुलिस बेहतरीन काम करती है, आप लोग बेफिक्र रहिए, सीसी कैमरा के पास बैठ के आइडेंटिफाई कर लेंगे, और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड वहाँ पे हमारी पुलिस जाएंगी और इंशाल्लाह जल्द से जल्द बच्चा ला के उनकी वालदा को दे देंगे। अक्सर ऐसे वाकये यहाँ पे होते रहते हैं सब, कभी डिपार्टमेंट से होते हैं, कभी बाहर के लोग आते हैं, क्या इसका सिक्योरिटी कमजोरी है, क्या ऐसा नहीं? सिक्योरिटी की बात नहीं, उनकी नानी के पास से बच्चा गया, राइट, सो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी की बात नहीं। नीलोफर हॉस्पिटल बेहतरीन काम कर रहा, नीलोफर का पूरा स्टाफ बेहतरीन काम कर रहा, और यहाँ पे महीने हर कोई गवाह है, और मैं लास्ट वन मंथ पहले आके इंस्पेक्शन करा, सो बेहतरीन काम है, इसमें नीलोफर की कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पे नेग्लिजेंस ऑफ फैमिली है, नेग्लिजेंस ऑफ हॉस्पिटल है। महाराष्ट्र इलेक्शन में जीतने वाले मुस्लिम कैंडिडेट से कांग्रेस से 3 कैंडिडेट जीते हैं, एनसीपी से 2 कैंडिडेट जीते हैं, एएमएम के 1 कैंडिडेट है, समाजवादी पार्टी के 2 कैंडिडेट हैं, एनसीपी से 2 कैंडिडेट है, यूबीटी और एसएस से 1 कैंडिडेट है, एआईएमएम के 1 कैंडिडेट है, एसपी के 1 कैंडिडेट को अतीक अहमद बोल के मजलिस के कैंडिडेट हार चुके थे, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से पब्लिक की हेल्प करने के लिए तैयार है यहाँ पर आप सुन सकते हैं। वकील, आप किस तरीके की तैयारी करेंगे? तैयारी क्या करेंगे, जो वादे हमने किया उन वादों को पूरा करेंगे, जैसे नामूस रिसालत बिल का वादा था, भले हम हार गए लेकिन नामूस रिसालत बिल विधानसभा में हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, नशे के ऊपर, एसएमएस कंपनी के ऊपर, यहाँ के जो छोटे मोटे मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों पर हम पहले भी खड़े रहते थे और अब भी आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। गोंडी के डेवलपमेंट के लिए क्या आप आसिम भाई से मिल के जिस तरीके डेवलपमेंट किया, कुछ कमी है किस तरीके करना है, इसका कुछ सुझाव देंगे या आपसे मांगते तो क्या? अगर आसिम साहब को लगेगा कि कोई सुझाव की जरूरत है और उन्होंने अगर हमें मददऊ किया तो इंशाल्लाह हम जरूर जाएंगे। गोंडी के डेवलपमेंट के लिए हम किसी के साथ भी सजेशन देने के लिए तैयार हैं और अपने सजेशंस के साथ साथ जो मेहनत करनी पड़ेगी वो करने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से एमआईएम पार्टी जाने मुस्लिम वोट के लिए, तो मुस्लिम वोट आपको कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा मिला है, मगर जो और अन्य वोट थे वो नहीं मिले हैं, तो उसके लिए आप क्या कुछ मेहनत करेंगे, क्या पार्टी में किसी और लोगों को जोड़ा जाएगा? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम वोट के साथ गैर मुस्लिम वोट भी दिया, मैं गैर मुस्लिम भाइयों को बहुत दिल से सलाम करता हूँ कि उन्होंने वोट किया। हाँ, मैंने जैसा आपको बताया कि जो 10-12 हज़ार का मार्जिन था वो लोकल कैंडिडेट्स वगैरह ने जो है थोड़े थोड़े वोट्स लिए और समाजवादी पार्टी ने जो डर बताया था उस डर से वो वोट खींचे गए, लेकिन इंशाल्लाह धीरे धीरे अब हम खड़े हो गए वो डर भी खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो अब मानकोर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर जो हमारे मुस्लिम वोटर्स हैं या गैर मुस्लिम वोटर्स, सबके साथ मिलकर सबका काम करेंगे, क्योंकि हम इस पर बिलीव करते हैं सबका साथ सबका विकास, इस बात पर हम तो ये वाकया आज पेश आए। और भी अपडेट्स के लिए रियल मियां पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।